इंटेंसिटी अगर मान लो 10 वाट के बल्ब के लिए 10 माइक्रो एम्पियर करंट है, 10 वाट के लिए 10 माइक्रो एम्पियर करंट है, 20 वाट के लिए 20 वाट के लिए 20 माइक्रो एम्पियर होगा और 30 वाट के लिए 30 माइक्रो एम्पियर होगा, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। हेंस वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अभी कोई बोलेगा यहां पे तो स्ट्रेट लाइन है, वहां पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ रहा है? वो पैरामीटर अलग है। यहां पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बैटरी का, यहां पे एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी लिया है, तो अगर एक्स एक्स पैरामीटर इज सेम तो ग्राफ विल बी डिफरेंट नेचर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस फाइनल ग्राफ। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड यू, हाउ मेनी फोटॉन्स कम आउट इन 1 सेकंड, सो दे विल डिस्कस दैट थिंग एज वेल। तो यहां पे मैं ये ग्राफ हटा देता है एंड आई विल अंडरस्टैंड, आई विल शो यू व्हाट हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। ई इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला तो याद ही है, ई इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा। अब 1 सेकंड में कितना फोटॉन्स आ रहा है, तो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। ई इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा तो ही, अगर हम लोग का बल्ब लिया हम लोग ने कितने वॉटेज का, 10 वॉट। लेट अस कंसिडर 10 वॉट बल्ब, कितना वॉट है, 10 वॉट। ब्लू कलर का बल्ब भी ले लो 10 वॉट, तो दिस इज 10 जूल्स पर सेकेंड। दिस इज वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड, ये तो पता है सबको। वॉट इज पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, मतलब पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर मतलब वॉटेज इज एनर्जी, मतलब जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड आएगा। तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा है, 10 जूल। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा है, 10 जूल। अब एक फोटोन का एनर्जी है एचसी बाय लैम्डा, एक फोटोन का एनर्जी है एचसी बाय लैम्डा, लेकिन हम लोग के पास तो एनर्जी 10 जूल है। तो एनर्जी एक फोटोन का एचसी बाय लैम्डा, तो मान लो एन फोटॉन्स का कितना होगा, एन एचसी बाय लैम्डा। एक फोटोन का एचसी बाय लैम्डा तो एन फोटॉन्स का एन एचसी बाय लैम्डा, बट हमारे पास कितना एनर्जी है, 10 जूल। 1 सेकंड में 10 जूल आ रहा है, 10 वॉट के बल्ब के लिए 10 जूल एनर्जी आ रहा है, तो वी आर विल कंसिडर 10 जूल। तो हम लोग को नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलना था ना, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आ रहा है 10 वॉट के बल्ब से। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये तो 10 जूल लिख दिया, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू, सो एच का वैल्यू इफ यू रिमेंबर, एन तो है, एन कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने रेड कलर के मार्कर से कर दिया। और एच का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू 10^-34। और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है, 3 × 10^8 अपॉन लैम्बडा। ब्लू कलर के लिए लैम्बडा कितना होगा, ब्लू कलर इज समवेयर हियर। तो देखो 3000 से 8000 का रेंज रहता है, यहां 3000 से 7800, तो ब्लू कलर विल बी अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 के आसपास होगा। तो लैम्बडा कितना होगा, 7000 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया मीटर में, तो 10^-10। अब ये जब तुम कैलकुलेशन करोगे ये, तो व्हाट यू विल फाइंड इज एन विल कम आउट टू बी वेरी वेरी बिग। देखो पावर्स देखो, -34 और 10^8, तो कितना हो जाएगा ये, -26 और ये 10^-10 ऊपर जाएगा, तो 10^-16 हो जाएगा, 10^-16 है। अभी 10^-16 इस डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 10^-16 डिनोमिनेटर में रहेगा, और 10^-16 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10^-17 पावर आ जाएगा। तो 10^-17 पावर में आएगा अप्रोक्सीमेटली, डू द कैलकुलेशन व्हेन यू आर फ्री, 10^-17 के पावर में आएगा। तो हाउ मेनी फोटॉन्स विल बी देयर फॉर 10 वॉट बल्ब, 10^-17 के पावर में, ऑर्डर विल बी 10^-17, 10^-18, 10^-16, तो 10^-16 करोड़ों करोड़ होता है, तो करोड़ों करोड़ फोटॉन्स निकलेंगे 1 सेकंड में। जो हम लोग ले रहे थे ना 10 वॉट का बल्ब, 10 फोटॉन्स ले रहा है, 10 नहीं निकलते, 10 करोड़ों करोड़ों निकालेंगे, बट वी टुक एन एग्जाम्पल। बट 20 वॉट का लेंगे तो और भी ज्यादा निकलेंगे, उससे भी डबल निकलेंगे। तो दैट इज हाउ विल डू दिस कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाय दिस फॉर्मूला। पावर इज वर्क अपॉन टाइम एंड वी विल कंसिडर द टाइम एज 1 सेकंड, फॉर दैट टाइम 1 सेकंड वी विल गेट द एनर्जी फॉर 10 वॉट बल्ब, इट विल बी 10 जूल, एंड दैट 10 जूल वी विल इक्वेट टू एन एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज ईच फोटॉन हैज एच सी बाय लैम्डा, एन फोटॉन्स विल हैव एन एच सी बाय लैम्डा, एंड बाय दिस कैलकुलेशन वी विल डू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एन। तो दिस इज द कंसेप्ट विच वी हैव इन दिस चैप्टर ऑफ ड्यूअल मैटर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लेट अस नाउ स्टार्ट
विथ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो सेल इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हमने थोड़ी देर पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें वी हैड अ हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब और दो मेटल प्लेट्स थे, एंड दीज मेटल प्लेट्स वेर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ माइक्रो एमिटर. तो वैसा ही सेटअप यहां पे है, सिर्फ वो ग्लास ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, उसके बदले हम लोग एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब जैसा मान लेंगे, एक बल्ब शेप का ग्लास ट्यूब मान लेंगे. तो दिस इज दैट बल्ब शेप ग्लास ट्यूब, ग्लास का बना हुआ है, और इसमें हमारे पास दो मेटल प्लेट्स है, एक मेटल प्लेट लेफ्ट में मेटल प्लेट नंबर वन, एक मेटल प्लेट राइट में मेटल प्लेट नंबर टू. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस एक्सपेरिमेंट में था जब हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा. तो सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ओनली थिंग इज इट इज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ बीइंग हॉरिजॉन्टल. वहां हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब था, यहां हमारे पास काइंड ऑफ वर्टिकल बल्ब है जिसमें हमारे पास दो मेटल प्लेट्स है. दीज मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ माइक्रो एमिटर टू मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ फोटो करेंट. फोटो करेंट कहां से आएगा? जब यहां पे हम लोग के पास ऊपर एक बल्ब होगा, उस बल्ब में से लाइट आएगा, दैट मींस फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स विल हिट मेटल प्लेट वन, लीडिंग टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल प्लेट वन टूवर्ड्स मेटल प्लेट टू, लीडिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट. तो ये हम लोग का सेम ही मैकेनिज्म है, सेम ही वर्किंग है जैसा हमने उस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था. तो हम लोग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन. वहां हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे ग्राफ बना रहे थे, यहां हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज करना चाह रहे हैं. तो दिस इक्विपमेंट विल नाउ बी यूज्ड इन डेली लाइफ. वन ऑफ द डेफिनेशंस विच वी कैन टॉक अबाउट फॉर फोटो सेल इज इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, इसके ऊपर लाइट एनर्जी गिर रहा था, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक करंट आया. जब भी लाइट होगा तो उस टाइम पे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो देर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, सो देर विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस सर्किट. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे बल्ब जलाने के लिए, नहीं, बल्ब जला के ही तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला है. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे दूसरे काम आ सकता है, लाइट सेंस करने के काम में आ सकता है, लाइट डिटेक्ट करने के लिए काम आ सकता है. ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बात चल रही है, दिस इज यूज ऑफ लाइट, यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू सेंस लाइट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट है माइक्रो एमिटर में, देखो ये माइक्रो एमिटर करंट छोटा सा करंट है, छोटे से करंट से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फायदा नहीं हो जाएगा हमारा, बट जैसे ही इसमें करंट आया दैट मीन्स यहां पे लाइट गिरा है, प्लेट वन पे लाइट गिरा है. तो लाइट है या नहीं किसी जगह पे, वो देखने के लिए हम लोग ये इक्विपमेंट यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और इन शॉर्ट फोटो सेल. इट इज यूज टू सेंस लाइट. सो लेट अस सी द फर्स्ट एप्लीकेशन, हाउ वी विल यूज दिस इन अवर डे टू डे लाइफ. बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म मतलब तुम्हारे घर पे जब चोर आएगा तो चोर आते ही हम लोग को एक आवाज सुनाई देगी, अलार्म सुनाई देगी, उससे हम लोग को समझेगा कि हमारे घर में चोर घुसा है, सायरन बजने लगेगा घर पे, जिससे आजू बाजू के पड़ोसी सब घर के अंदर देखना चालू करेंगे कि कहीं चोर तो नहीं घुस गया. तो हाउ डज दिस सर्किट वर्क? फॉर दैट लेट अस थिंक आई एम द थीफ, मैं चोर हूं मान लो एक एग्जाम्पल में. तो अगर मैं चोर हूं तो मैं, ये दरवाजा है यहां पे, दरवाजा खोल के ही आऊंगा, दरवाजे के मतलब ऐसा आत्मा जैसा दरवाजे के थ्रू तो नहीं घुस जाऊंगा. आत्मा या भूत थोड़ी है कि हम लोग दरवाजा बंद है और भूत की तरह दरवाजे से अंदर आर पार हो गए, तो वैसा तो नहीं होगा. चोर को पहले दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. तो लेट अस से मैं चोर हूं और यहां दरवाजा है, अब दरवाजे के अंदर मैं घुसूंगा कैसे? तो दरवाजा तोड़ के, खोल के, कुछ तो करके मैं अंदर घुसने की कोशिश करूंगा. तो एट द टॉप वी विल हैव अ इंफ्रारेड बल्ब, इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट, इंफ्रारेड सोर्स, एक इंफ्रारेड सोर्स ऊपर रखेंगे हम लोग. इंफ्रारेड ले लो, अल्ट्रावायलेट ले लो, विजिबल ले लो, जो लेना है ले लो, व्हाटएवर, इट शुड सेंड फोटॉन्स, दैट्स इट, इट शुड सेंड फोटॉन्स. तो ऊपर से रेडिएशन आएगा, फोटॉन्स आएगा एक तरह से. तो मान लो हम लोग ने एक सादा बल्ब भी ले लिया हमारे एग्जाम्पल में, तो बल्ब से ऊपर से लाइट नीचे आएगा. अब नीचे हमारे पास जो सर्किट है
वो फोटोसेल का सर्किट है, नीचे कौन सा सर्किट है, फोटोसेल, और ऊपर बल्ब है। तो अगर मान लो दरवाजा खोला तो क्या होगा, दरवाजा खोलते ही पहले तो सबसे पहले यहां से बल्ब तो चालू ही रहेगा दरवाजा खोलते ही, तो बल्ब से यहां नीचे क्या होगा, लाइट आएगा, बल्ब से नीचे क्या आएगा, लाइट आएगा। तो बल्ब से नीचे लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है, बल्ब से नीचे लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है, और लाइट जो गिर रहा है उसके कारण फोटॉन्स गिर रहा है, फोटॉन्स गिर रहा है इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में है जो कि माइक्रो एमिटर डिटेक्ट कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम द बल्ब एंड देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द फोटोसेल सर्किट, इस फोटोसेल सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है मेजर्ड बाय माइक्रो एमिटर। अब जब चोर बीच में आएगा, चोर कहां आएगा, बीच में, अब मैं थोड़ा सा आगे आया तो चोर समझ के मैं बीच में आ गया इस सर्किट के। अब बल्ब जो है मेरे सिर, मेरा सिर या मेरा बॉडी दैट इज नॉट अलाउिंग द लाइट ऑफ द बल्ब टू फॉल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल सर्किट, नीचे जो सर्किट है और उसके बीच में मैं, मेरा बॉडी आ गया, बल्ब और फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट, फोटो सेल सर्किट, बल्ब और फोटो सेल सर्किट, इनके बीच में बॉडी आ गया है, मेरा बॉडी आ गया। तो अब क्या होगा, यहां पे बल्ब और फोटोसेल इसके बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया, ऑपोजिशन आ गया, कुछ तो हम लोग बोल सकते हैं रुकावट आ गया, यहां पे क्या आ गया, एक ऑब्स्टेकल आ गया, वी कैन से ऑब्स्टेकल आ गया, देयर इज ऑब्स्टेकल, सो लेट मी मेक दिस ऑब्स्टेकल बाय रेड कलर। यहां पे रेड कलर का ये आदमी है जो बीच में आ गया है, तो दिस इज द रेड कलर विच आई मेड हियर इज अ मैन और अ बर्गलर। तो क्या होगा उस केस में, ये आदमी या चोर उस लाइट को रोक देगा, तो लाइट अब मेटल प्लेट वन तक नहीं पहुंचेगा, लाइट मेटल प्लेट वन तक नहीं पहुंचेगा तो यहां से फोटॉन्स नहीं रहेगा, लाइट नहीं पहुंचा मतलब फोटॉन्स नहीं पहुंचा, प्लेट वन पे फोटॉन्स नहीं पहुंचा, तो वह फोटॉन नहीं पहुंचा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, देयर विल बी नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला तो इस केस में फोटो करंट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो माइक्रोएमिटर में करंट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो करंट इन द माइक्रोएमिटर, तो करंट नहीं होगा या तो करंट बहुत कम होगा। तो करंट नहीं होने पे वी विल अंडरस्टैंड कि अब बीच में कोई तो आ गया, यहां पे तो कोई आ गया है मतलब बर्गलर आ गया, मतलब अलार्म बजना चालू कर देंगे, जैसे ही फोटो करंट जीरो वी विल स्टार्ट रिंगिंग द अलार्म, हम लोग वहां पे बैठ के नहीं करेंगे, सर्किट वैसा डिजाइन करेंगे, व्हेन फोटो करंट बिकम जीरो स्टार्ट रिंगिंग द अलार्म, ऐसा हम लोग सर्किट को डिजाइन करेंगे। So that is one application of this photocell, which is photoelectric, which is the burglar alarm. Burglar alarm is the first application. Exactly same principle से हम लोग automatic street light कर सकते हैं। तो street light के ऊपर क्या करेंगे हम लोग? Street light के ऊपर photocell लगा देंगे। Street light जो है, उसका जो ऊपर metal का surface रहता है, उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? Photocell. अब sunlight गिरेगा उसके ऊपर। Sunlight गिरेगा तो क्या होगा? Light आएगा। और light plate one पे गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा इस सर्किट में। जब सनलाइट होगा तो प्लेट वन पे फोटॉन्स गिरेगा, फोटॉन्स गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा तो माइक्रोमीटर में करंट होगा। करंट होगा मतलब स्ट्रीट लाइट बंद रखो, करंट है सर्किट में मतलब स्ट्रीट लाइट बंद रखो। अब रात के टाइम पे क्या होगा? रात के टाइम में सनलाइट नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा तो फोटॉन्स नहीं होंगे, फोटॉन्स नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फोटो करंट नहीं होगा, फोटो करंट नहीं होगा तो माइक्रो एमिटर में करंट नहीं होगा, माइक्रो एमिटर में जीरो करंट होगा। तो दैट मीन्स वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सनलाइट एंड वी शुड स्विच ऑन द स्ट्रीट लाइट। अगेन हम लोग वहां जाके नहीं बटन दबाएंगे, वो ऑटोमेटिक सर्किट ऐसे डिजाइन करेंगे, whenever the photo current is zero, microemitter current is zero, then we will switch on the street light. Third application, traffic signal breakage. वैसा ही मान लो अगर सिग्नल है रात के टाइम पे, रात के टाइम पे अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो ऑफकोर्स वो हेडलाइट चालू करके ही चलाओगे, तो उस केस में अगर मान लो सिग्नल रेड है, सिग्नल क्या है रेड, और तुमने उस सिग्नल को पार करके गाड़ी चलाया तो वहां पे भी तुम्हारा लाइट जो हेडलाइट का लाइट है वो भी गिरेगा, वहां पे फोटो सेल लगाएंगे हम लोग डिटेक्ट करने के लिए लाइट है कि नहीं। तो इस केस में रात में अगर कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा है मतलब उसका हेडलाइट का लाइट मेटल प्लेट वन पे गिर रहा है, मतलब फोटो सेल पे गिर रहा है,
तो इन दैट केस देयर इज फोटो करंट इन द सर्किट. फोटो करंट सर्किट में होगा मतलब किसी ने तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है क्योंकि वहां पे लाइट आया. अब देखो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे तुम टॉर्च का लाइट भी अगर जला दोगे तो भी वहां पे लगेगा किसी को कि कोई ट्रैफिक का रूल ब्रेक करके जा रहा है. बट इट इज सेंसिंग लाइट बेसिकली, जो जब ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल है तो तुमने हेडलाइट मारा वो फोटोसेल सर्किट पे, तो इन दैट केस वो फोटोसेल लाइट गिरेगा किधर, मेटल प्लेट वन पे. मेटल प्लेट वन पे लाइट गिरा तो फोटो एमिशन होगा. फोटो एमिशन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो दैट विल लीड टू करंट इन द सर्किट. करंट होगा मतलब लाइट आया है, मतलब कोई तो सिग्नल तोड़ा है. तो दैट इज द एप्लीकेशन, ट्रैफिक सिग्नल ब्रेकर्स. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द फोटो सेल एंड इट्स एप्लीकेशंस वेल. सो आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्प्टन इफेक्ट. लेट अस नाउ स्टडी द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉम्प्टन इफेक्ट. कॉम्प्टन इफेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं. वी विल सी सम न्यू फॉर्मूलाज हियर. तो E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर सबको पता ही है. दिस इज आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन. E इज एमसी स्क्वायर. एमसी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एमसी इंटू सी. अब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. तो मोमेंटम को लिखा मैंने पी और ये सी एज इट इज लिखा. तो एनर्जी इज पी सी. तो मोमेंटम इज एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट. दिस इज वन फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर टू स्टडी कॉम्प्टन इफेक्ट. कॉम्प्टन इफेक्ट में हम लोग को ये फॉर्मूला याद करना है. दिस इज जस्ट अ वन वे टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर. ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का ये फॉर्मूला. सेकेंड थिंग, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है. दिस इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मीन्स न्यूटन वाला. न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर. ये जो न्यूटन का मैकेनिक्स है, ऑल दैट इज वैलिड फॉर स्मॉल वेलोसिटीज. वेलोसिटीज मच लेसर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो जब वेलोसिटी एक किलोमीटर है पर आवर, एक किलोमीटर पर सेकेंड भी है तो भी ठीक है. बट जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोच हो वेलोसिटी, तो दिस फॉर्मूला डज नॉट होल्ड ट्रू. जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत बढ़ जाए कंपेयरिंग टू द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, बहुत हाई स्पीड, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर घूम रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में घूम रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी विल अप्लाई रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. हम लोग ये क्लासिकल वाला नहीं लेंगे काइनेटिक एनर्जी, वी विल टेक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट विच इज एम माइनस एम नॉट. एम नॉट इज रेस्ट मास, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास कितना है, एम नॉट. एंड एम इज रिलेटिविस्टिक मास, मीन्स व्हेन इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन वी यूज द टर्म रिलेटिविस्टिक मास. रेस्ट मास अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब इतने सारे में हम लोग को क्या याद रखना है इस कॉम्प्टन इफेक्ट के लिए, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मोमेंटम इज एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये इसलिए मैंने वन मार्क करके रख दिया. सेकेंड फॉर्मूला जो हमें याद रखना है विच इज दिस फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बट डेल्टा एम इज एम माइनस एम नॉट एंड द वैल्यू ऑफ एम इज एम नॉट अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. जो मैंने बॉक्स किया है वो सब फॉर्मूला हमें याद रखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक कॉम्प्टन इफेक्ट. तो कॉम्प्टन इफेक्ट में क्या है, हमारे पास एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है. एक एटम है उसमें लेट अस से वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, मान लो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है. अब इसमें क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो बीच में एक फोटोन आया. बीच में क्या आया, एक फोटोन. ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है तो फोटोन आके इससे टकराया, एंड दिस फोटोन इज वेरी हाई एनर्जी फोटोन.
एंड दिस वेरी हाई एनर्जी फोटोन इज कॉल्ड एज एक्सरेज. एक्सरेज क्या होता है? एक्सरेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स. एक्सरेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स. तो हम ये डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज रेड कलर में मैंने जो लिखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जिसका रेस्ट मास कितना है? एम नॉट. अगर वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता तो उसका मास कितना होता? एम नॉट. ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रॉन एटम में गोल गोल घूम रहा है, बट अगर वो रेस्ट पे होता तो उसका मास कितना होता? एम नॉट. अब उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन आया. कौन सा फोटोन? एक्सरे का फोटोन. एक्सरे का फोटोन आया और उस एक्सरे के फोटोन का या उस एक्सरे को अगर वेव माना जाए, उस एक्सरे को हम लोग रेडिएशन को वेव मान ले, तो उसका वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा. देखो मैंने बताया था, अभी कोई बोलेगा कि फोटोन बोल रहे हो और वेवलेंथ भी बोल रहे हो. यस, फोटोन बोलेंगे तो वी विल कंसीडर द पार्टिकल नेचर ऑफ एक्सरे, और वेवलेंथ बोलेंगे तो वी विल कंसीडर द वेव नेचर ऑफ एक्सरे, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रू. एक्सरे हम लोग फोटोन भी मान सकते हैं, पार्टिकल नेचर भी मान सकते हैं, और एक्सरे को हम लोग वेव भी मान सकते हैं. अगर वेव मानेंगे तो उसका वेवलेंथ बोलेंगे लैम्बडा, और अगर फोटोन मानेंगे तो वी विल कॉल इट अ मोमेंटम ऑफ द फोटोन, पी, पार्टिकल नेचर. मोमेंटम किसके लिए डिफाइन करते हैं? पार्टिकल नेचर. तो वी कैन डिफाइन बोथ वेज, और हम लोग डिफाइन दोनों तरह से करेंगे. मोमेंटम भी लेंगे इसका, कितना लेंगे? पी, और हम लोग वेवलेंथ का भी बात करेंगे, विच इज द वेव नेचर ऑफ एक्सरे. लैम्बडा वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे का. तो when this x-ray photon hits the electron, in that case, electron मान लो ऐसे आ गया, electron इस रास्ते पे आ गया, ऐसे electron obliquely ऐसा scatter होके आ गया, ये electron ऐसा oblique direction में आ गया. अब ये जो incident photon था या incident x-ray था, that gets scattered. Incident x-ray, this gets scattered. Incident x-ray gets scattered. इधर लिखा मैंने scattered photon. स्कैटर्ड एक्सरे लिखते तो भी चलता, फोटोन हटा दो एक्सरे लिख दो, एंड एक्सरे इज नथिंग बट हाई एनर्जी फोटोन, तो दोनों सही है. एक्सरे इज हाई एनर्जी फोटोन, तो हम लोग फोटोन भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इंसिडेंट एक्सरे भी लिख सकते हैं व्हेन वी कंसीडर द वेव नेचर. तो इंसिडेंट एक्सरे का वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा. और जब ये स्कैटर हो जाएगा तो इसका वेवलेंथ अलग हो गया. देखो पहले वेवलेंथ बड़ा था, अब वेवलेंथ थोड़ा छोटा हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो दैट न्यू वेवलेंथ, let us call it lambda dash, the new wavelength of the scattered x-ray, the scattered photon, we call it lambda dash. And according to classical physics ke hisab se ye wavelength lambda aur lambda dash equal hona chahiye, kyunki particle agar hum log photon mane usko particle mane to particle manenge to uska kuch aisa wavelength change hoga aisa to nahi hona chahiye. jaisa particle pehle tha x-ray photon ka, jaisa x-ray photon pehle tha वैसा ही एक्सरे फोटोन बाद में होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से. बट जो हम लोग न्यू फिजिक्स देख रहे हैं, व्हेन द वेलोसिटीज आर हाई, व्हेन वी कंसीडर बोथ नेचर्स, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, एट दैट टाइम वी फाइंड दैट दिस वेवलेंथ लैम्बडा डैश एंड लैम्बडा आर डिफरेंट, एंड दिस इफेक्ट विच वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स, पहले जमाने के फिजिक्स से, उसको हम नए तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉम्प्टन इफेक्ट. तो कॉम्प्टन इफेक्ट ड्यूस व्हाट? द डिफरेंस इन वेवलेंथ, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा. यहां इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. द स्कैटर्ड वेवलेंथ का वेवलेंथ कैसा होगा? ज्यादा. और इसका वेवलेंथ कैसा होगा? कम. देखो वेवलेंथ बढ़ गया मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वेवलेंथ बढ़ गया है मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, मतलब एनर्जी भी कम हो गया. देखो सोचो थोड़ा सा, इंसिडेंट फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगा या स्कैटर्ड फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगा? ऑफ कोर्स इंसिडेंट के पास ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट का इसके पास गया, इलेक्ट्रॉन के पास. किसके पास गया है? इलेक्ट्रॉन के पास गया. पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट एक्सरे इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन गेनिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल गया इस एक्सरे फोटोन के कारण. तो ये जो हम लोग का यहां पे जो नया स्कैटर्ड फोटोन है, इसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, मतलब इसका एनर्जी कम रहेगा. तो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी ज्यादा, स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी कम, और डिफरेंस इन एनर्जी कहां गया? तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन इंसिडेंट फोटोन
and scattered photon has gone in increasing the kinetic energy of the electron. ये एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं या जहां पे पैरामीटर देख रहे हैं. फर्स्ट लेट अस कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे एज न्यू. तो एनर्जी कितना होगा उस एक्सरे फोटोन का एच न्यू. मोमेंटम कितना होगा एनर्जी अपॉन सी फ्रॉम इक्वेशन वन. अब जब ये स्कैटर्ड फोटोन का बात करेंगे तो उसका एनर्जी कुछ तो कम होगा. लेट अस से ई डैश तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एच न्यू डैश बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया. लेट अस से न्यू डैश हो गया तो उसका मोमेंटम क्या होगा पी डैश इज इक्वल टू ई डैश बाय सी. अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन पी डैश इज इक्वल टू ई डैश बाय सी. ये स्कैटर्ड फोटोन का बात कर रहे हैं हम लोग. स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी क्या हो गया ई डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम हो गया एनर्जी कम हो गया. And that कम energy is E dash, कम frequency is nu dash. Momentum P dash is E dash by C. Momentum भी कम हो गया क्योंकि energy कम हो गया तो momentum भी कम होगा. तो इस electron का बात करें electron का mass अभी देखो velocity है इस electron के पास तो velocity वाला electron is relativistic mass. क्या है relativistic mass. Relativistic mass को मैंने symbol बनाया m. तो हम लोग का energy कितना होगा electron का mc square. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है mc square और मोमेंटम कितना है mv. जो वेलोसिटी होगा उसका लेट अस से v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mv. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने. इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी किसके पास है तो इनिशियल एनर्जी एक तो है हमारे एक्सरे फोटोन के पास. एक्सरे फोटोन के पास कितना एनर्जी है e इज इक्वल टू एच न्यू. इनिशियल एनर्जी किसके पास है एक्सरे फोटोन लेट अस से E व्हिच इज इक्वल टू एच न्यू. और दूसरा इनिशियली इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था उसका रेस्ट मास m नॉट है और उसके पास कुछ तो वेलोसिटी है तो इसका जो एनर्जी है दैट इज m नॉट c स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रेस्ट मास माना m नॉट. अगर m नॉट रेस्ट मास है तो उसका एनर्जी कितना होगा m नॉट इनटू c स्क्वायर. फाइनली जब ये कोलिजन हुआ तो उसके बाद ये स्कैटर्ड फोटोन के पास कितना एनर्जी है द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज ई डैश. तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ई डैश. एंड वी हैव द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के पास अब कितना एनर्जी है तो एमसी स्क्वायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एमसी स्क्वायर क्योंकि अब उसके पास एम मास है और वो एमसी स्क्वायर वेलोसिटी के साथ वी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो उसका एनर्जी हम लोग एमसी स्क्वायर लेंगे. तो अगर ये तुम्हें इक्वेशन थोड़ा हार्ड लग रहा है तो लेट अस डायरेक्टली सी द फाइनल इक्वेशन. देखो फाइनल इक्वेशन थोड़ा समझने में इजी होगा. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस फाइनल इक्वेशन. फाइनल इक्वेशन में मैंने क्या बोला था सोचो थोड़ा सा. फाइनल इक्वेशन समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सीइंग दिस इक्वेशन. सो लेट मी टेक दिस ऑफ. ये इक्वेशन थोड़ा सा अगर तुम्हें हार्ड लग रहा होगा तो लेट मी टेक दिस इक्वेशन ऑफ. इस इक्वेशन को मैंने क्या किया हटा दिया. तो लेट मी एक्सप्लेन इन अ सिंपलर वे. थोड़ा सिंपल तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. तो व्हाट वाज द थिंग विच आई टोल्ड यू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कहां से आया. इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी है और स्कैटर्ड फोटोन के पास जो एनर्जी है किसके पास ज्यादा है. इंसिडेंट के पास ज्यादा है स्कैटर्ड के पास कम है. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर्ड फोटोन has gone in increasing the kinetic energy of the electron. So what is the difference in energy between incident X-ray photon and scattered X-ray photon? The difference in energy is h nu, which is the energy of incident photon, minus h nu dash, which is the energy of scattered photon. Energy of incident photon minus energy of scattered photon equals energy in increasing the kinetic energy of the electron. ऐसे सोचोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें बिकॉज वो बीच में m नॉट c स्क्वायर mc स्क्वायर ये थोड़ा सा रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर में आएगा बट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. जो हम लोग का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर है दैट इज नॉट इन देयर इन अवर सिलेबस. जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम लोग दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसमें वो सिलेबस में नहीं है. बट दिस इज मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो वॉट इज द इजी थिंग लेट अस सी वंस अगेन. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर्ड फोटोन is used up in increasing the kinetic energy of the electron.
h nu माइनस h nu डैश इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, डेल्टा m इंटू c स्क्वायर. तो डेल्टा m का वैल्यू कितना था, m माइनस m नॉट. तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, m माइनस m नॉट इंटू c स्क्वायर. वही तो मैंने यहां लिखा है. देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा m इंटू c स्क्वायर होगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी यहां से. लेकिन डेल्टा m का वैल्यू कितना है, m माइनस m नॉट. डेल्टा m का वैल्यू कितना है, m माइनस m नॉट. एंड h nu माइनस h nu डैश मैंने एज इट इज लिख दिया नीचे. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. तो ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया. अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और सेकेंड इक्वेशन का जरूरत ही क्यों पड़ेगा, क्योंकि सोचो यहां पे हमारे पास देखो एक अननोन है फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को निकालना है. तो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द वेवलेंथ लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा डैश. अभी तक हम लोग को यहाँ पे लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा डैश जल्दी से इधर से नहीं आएगा. सो वी नीड मोर इक्वेशन. तो लेट अस अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन. तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं. तो थोड़ा सोचो इधर, हम लोग के पास ये जो स्कैटर्ड है और इंसिडेंट फोटोन है, तो जो इंसिडेंट फोटोन है वो मैंने माना एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है. इंसिडेंट फोटोन कहां रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग. तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली कितना होगा, पी. दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन. मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है, पी. तो व्हाट आई विल से इज मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली इज पी. मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली इज पी बिकॉज दैट इज द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. अब उसके बाद फाइनली क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद ये स्कैटर्ड फोटोन ऐसे गया. स्कैटर्ड फोटोन कैसे गया, ऐसे. तो उसका मोमेंटम कितना था, पी डैश. लेकिन मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इस डायरेक्शन में पी डैश है तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, पी डैश का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, पी डैश कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. पी डैश का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, पी डैश कॉस थीटा. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, पी डैश कॉस थीटा आफ्टर कोलिजन. तो पी डैश कॉस थीटा. फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है विद मोमेंटम लेट अस से पीई. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या सिंबल यूज किया, पीई. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखा है पीई. तो पीई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अब ये इस डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी इन दिस डायरेक्शन ऑब्लिक डायरेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. तो इस मोमेंटम का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, पी कॉस अल्फा. पी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, पी कॉस अल्फा. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. दिस इज आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, पी कॉस अल्फा. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन. एंड नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी, पी डैश एंड पी जो हम लोग ने यहां लिखा है. पी का वैल्यू क्या है, ई बाय सी. पी डैश का वैल्यू क्या है, ई डैश बाय सी. पी का वैल्यू क्या है, एम वी. सो वी विल सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज. पी का वैल्यू क्या है, ई बाय सी. ई बाय सी लेकिन ई क्या है, एच न्यू. तो पी का वैल्यू एच न्यू बाय सी. तो पी का वैल्यू एच न्यू बाय सी लिख दिया. पी डैश का वैल्यू क्या है, ई डैश बाय सी लेकिन ई डैश का वैल्यू क्या है, एच न्यू डैश. तो यहां पे पी डैश का वैल्यू क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी. तो पी डैश का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, एच न्यू डैश बाय सी. और पी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एम वी. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एम वी. दिस इक्वेशन. तो पी का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, एम वी. सो दिस इज अवर इक्वेशन. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर थ्री. इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या बोल दिया, थ्री. अब ये हम लोग का कौन से डायरेक्शन में हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन. अब मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में करते हैं. तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, देखो पहले तो इंसिडेंट फोटोन किस डायरेक्शन में था, इंसिडेंट फोटोन एक्स डायरेक्शन में था. क्या वाई डायरेक्शन में एक्स का कोई कंपोनेंट होगा, नहीं. मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम इनिशियली है ही नहीं, तो है ही नहीं, इसलिए इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो. लेकिन जब कोलिजन होगा तो उसके बाद हम लोग का स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम कितना है, पी डैश. लेट मी शो यू इन अ बेटर वे, थोड़ा सा बेटर वे से हम लोग कोशिश करते हैं. तो देखो यहां पे अगर मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाऊ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊ वाई डायरेक्शन के लिए, लेट मी मेक द डायग्राम बिगर डायग्राम फॉर वाई डायरेक्शन. देखो हमारा इंसिडेंट फोटोन कहां आया, एक्स डायरेक्शन में विद मोमेंटम पी. अब उसके बाद ये स्कैटर हो गया,
और स्कैटर होके मोमेंटम हो गया पी डैश, स्कैटर होके कितना मोमेंटम हो गया पी डैश, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया विद मोमेंटम पीई, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है पीई, और हम लोग का ये एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा, और ये एंगल थीटा इज बिटवीन स्कैटर्ड स्कैटर्ड फोटोन और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में के बीच में एंगल थीटा, और इलेक्ट्रॉन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है अल्फा। तो अगर हम लोग वाई कंपोनेंट ले, कौन सा कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो पी डैश का एक्स कंपोनेंट तो हम लोग ऑलरेडी देख लिया पी डैश कॉस थीटा, और पीई का एक्स कंपोनेंट भी ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया पीई कॉस अल्फा, ये एक्स कंपोनेंट, और ये तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है पी। अब हम लोग वाई डायरेक्शन का बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन को मैंने ब्लैक कलर में लिखा, ब्लैक कलर में मैंने क्या लिखा वाई कंपोनेंट्स, तो पी डैश का वाई कंपोनेंट कितना आएगा, इसका वाई कंपोनेंट कितना आएगा, पी डैश का वाई कंपोनेंट आएगा पी डैश साइन थीटा, और पीई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का वाई कंपोनेंट कितना आएगा पीई साइन अल्फा। अब हम लोग का इनिशियल मोमेंटम कितना है वाई डायरेक्शन में, और फाइनल मोमेंटम कितना है वाई डायरेक्शन में पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, इनिशियली मोमेंटम ऑफ एक्सरे फोटोन इंसिडेंट एक्सरे फोटोन वॉज इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई में कोई कंपोनेंट था ही नहीं इनिशियली, लेकिन फाइनली हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि स्कैटर्ड फोटोन का है, किसका है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का, विच इज पी डैश साइन थीटा इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसीलिए मैंने यहां पे प्लस साइन लगा दिया, क्या साइन लगाया प्लस, ये देखो यहां पे मैंने क्या साइन लगाया प्लस, क्योंकि वाई डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इधर क्या डाल दिया माइनस साइन, माइनस साइन की डिनोट्स इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस पीई साइन अल्फा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा पी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू पीई साइन अल्फा, यही तो इक्वेशन मैंने यहां लिखा है वाई डायरेक्शन में, जीरो इज इक्वल टू पी डैश साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा, ये इक्वेशन जो यहां पे लिखा है मैंने द सेम इक्वेशन आई हैव डिराइव्ड इन वाई डायरेक्शन, ये थोड़ा बेटर डायग्राम बनाया थोड़ा सा, दिस इज स्लाइटली अ बेटर डायग्राम, तो ये हम लोग का आ गया। अब लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी डैश, पी डैश का वैल्यू कितना है, पी डैश का वैल्यू है ई डैश अपॉन सी विच इज एच न्यू डैश अपॉन सी, तो एच न्यू डैश अपॉन सी पी डैश का वैल्यू डाल दिया मैंने, पी डैश का वैल्यू क्या डाल दिया एच न्यू डैश पर सी, और पी का वैल्यू एम वी ये तो लिखा ही हम लोग ने पी इज एम वी इस इक्वेशन से, तो पी इज एम वी से हम लोग को ये इक्वेशन आ गया। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन टू, देखो फिर से याद करो इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री। अब हम लोग का एम क्या था, हम लोग का एम तो ये एक्सप्रेशन निकालना है चेंज इन वेवलेंथ, हम लोग का एम तो ये है दिस वी हैव टू फाइंड दिस चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये हम लोग को निकालना, तो उसके लिए हम लोग को वेवलेंथ का इक्वेशन भी लगेगा, तो दैट विल बी माय इक्वेशन नंबर फोर। ये इक्वेशन वेव मोशन में तुमने पढ़ा रहेगा, व्हाट इज द इक्वेशन वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया सी सिंबल से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया न्यू सिंबल से, और वेवलेंथ को डिनोट किया लैम्डा सिंबल से, तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो इससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन मिल गया, एंड आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर फोर। वी विल सॉल्व इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर ऑल टू गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ, द चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डैश विच इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस लैम्डा विच इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, लैम्डा डैश इज वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, दैट डिफरेंस इक्वल्स एच अपॉन एम नॉट सी वेर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वन माइनस कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन स्कैटर्ड फोटोन डायरेक्शन स्कैटर्ड एक्सरे का डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में, स्कैटर्ड एक्सरे और एक्स एक्सिस के बीच में, स्कैटर्ड एक्सरे और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है थीटा। तो दिस इज द होल डेरिवेशन एंड दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर बाय इट, ये शिफ्ट कॉम्प्टन शिफ्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट, कॉम्प्टन शिफ्ट, शिफ्ट क्यों, क्योंकि चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज हो गया ना, तो लैम्डा माइनस डैश माइनस लैम्डा, तो दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉम्प्टन शिफ्ट विच वी हैव टू रिमेंबर बाय इट, डेल्टा लैम्डा विच इज कॉम्प्टन शिफ्ट इक्वल्स लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी
ब्रैकेट ओपन 1 माइनस कॉस थीटा वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन स्कैटर्ड एक्सरे एंड एक्स एक्सिस एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड तो ये हम लोग का डेरिवेशन है ऑफ कोर्स दिस इज स्लाइटली अगेन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्यू दिस अगेन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है सिर्फ ये फॉर्मूला याद करके जाना है कॉम्प्टन शिफ्ट का क्वेश्चन आया डायरेक्ट फॉर्मूला सब्सिट्यूट करो यू विल गेट द आंसर इवन इन जेई मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दे डू नॉट यूज द डेरिवेशन इसलिए ऐसा सोचते मत बैठो चार इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है इन जेई ऑल्सो वी हैव टू मोस्टली यूज द रिजल्ट डायरेक्टली हम लोग ये डेरिवेशन नहीं करेंगे इवन इन जेई वी डू नॉट हैव टू डिराइव दिस रिजल्ट बट द कॉन्सेप्ट्स आर हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग सम अदर प्रॉब्लम सिचुएशंस तो ये कॉम्प्टन शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है अब इसके अलावा इस चैप्टर में देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई एम नॉट कवरिंग एट दिस पॉइंट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है हमारे ना पास व्हिच इज नोन एज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मैं नाम लिख देता हूं बोर्ड पे बट वी विल नॉट डू एट दिस पॉइंट आई विल टेल व्हाई DAVISSON डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट हम लोग बाद में करेंगे Because this uses the concept of diffraction. Interference and diffraction, ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है Interference and diffraction, this chapter is altogether a different topic. For that, we need wave motion. Wave motion पहले पढ़ना पड़ेगा फिर light waves पढ़ना पड़ेगा फिर light waves समझने के बाद interference and diffraction topic पढ़ना पड़ेगा Once you understand the concept of diffraction, then you will be better able to understand this Davison-Germer experiment. So this experiment we will cover in our topic interference and diffraction. At the end of diffraction, I will make sure that I will have this experiment there. Davison-Germer experiment. Because agar abhi maine tumhe samjhaya, to tumhe aadha samajh mein aayega, aadha kuch samajh mein nahi aayega. Reason being, diffraction tumhe pata hi nahi hai. To kahan se tumhe ye result uska samjhega? Ye experiment kahan se samjhega? So for that reason, this experiment, I will ensure that I will do it at the end of the topic of diffraction.